मृत्यु है अंतिम परीक्षा यानी महान परीक्षा है। प्रत्येक योनि में व्यक्ति को, लेकिन उससे पहले अनेक प्रकार की परीक्षाओं से निकलना होता है, क्योंकि मृत्यु में क्या होता है कि अगर मृत्यु अगर जब आती है तो एक ही क्षण में, एक ही आघात में, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे वो सोते हुए हो, चाहे रोगी की अवस्था में हो, या अचानक हार्ट अटैक हो जाए या फिर कुछ हो जाए, यानी कि वो चाहे चेतन रूप से बेहोश में है या बेहोश में है, लेकिन एक ही क्षण में उसका पूरा का पूरा जो उसने जन्म भर उसने एकत्र किया है, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, वो सब का सब उसका छूट जाता है, वो हताश हो जाता है, यानी कि उसकी आँखों के आगे जैसे सब कुछ छीन लिया गया होगा और उसकी कोई भी ये शक्ति नहीं है कि किसी को भी वो पकड़ सके या कुछ मांग सके। लेकिन उससे पहले जो परीक्षाएं होती हैं, कभी रोग हो गया, कभी या कोई अनेक प्रकार की जो हानियां होती हैं, यानी कहें कि जो अनेक प्रकार से जो विच्छिन्नताएं आती हैं, निराशा हार लगती है, या किसी ने अपमान कर दिया, वो भी एक प्रकार की परीक्षा है। अगर जीवन भर इन परीक्षाओं में अगर आप पास हो रहे हैं, इनमें पास होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो अंतिम परीक्षा में भी आप पास होने लग जाओगे, अंतिम परीक्षा में भी आप ईश्वर का नाम ले सकोगे। अब जब यहाँ पर अगर कहीं कोई जीते जी अगर कहीं से किसी ने जेब में से 10 रुपये का नोट चुरा लिया, जेब काट ली, तो क्या ईश्वर का नाम आता है? नहीं आता है। तो फिर अंतिम समय में कैसे आएगा? क्योंकि यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत यंते कलेवरम, जिस भाव को लेकर करके जीवात्मा कलेवर यानी शरीर का त्याग करता है, उसी के अनुसार में उसे अगला जन्म प्राप्त हो जाता है। अब अनेक बार प्रश्न यह पूछ बैठते हैं लोग कि ठीक है, आपस में चर्चा भी करते हैं, ठीक है हम जन्म भर तो क्या करेंगे, भौतिकता में डूबे रहेंगे, जोड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मान सम्मान को एकत्र करेंगे, और अंत में तो हम भगवान का नाम ले लेंगे, क्योंकि हम सत्संग में हमने सुना हुआ है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो मेरा स्मरण कर लेता है और उसके बाद में शरीर का जब त्याग करता है तो मेरे धाम पहुंच जाता है, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ भी अभी शंका है लोगों को, अब कृष्ण कह रहे हैं, कहेंगे केवल कृष्ण का ही नाम लेना है, ये इस भ्रांति को भी साधक को मिटाना है, इसीलिए कहा गया है कि आप योग मार्ग में थोड़ा सा दीक्षित बनिए, योग की जो शिक्षाएं हैं उनका बार बार आप श्रवण कीजिए, जैसे ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। वो कह रहे हैं कि मामे वो, भगवान कृष्ण अपने शरीर के रूप में नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंतिम समय में अगर कोई राम का भक्त है तो राम का नाम ले सकेगा, देवी का भक्त है तो देवी का नाम लेगा, ओम का भक्त है तो ओम का नाम लेगा, गुरु का भक्त है तो गुरु का भी नाम लेगा, निराकार का रूप है तो वो बोलेगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि सभी जो बाहरी रूप हैं, आकार हैं, वो केवल एक हमारे उस परम धाम को पहुँचाने वाले के इसके माध्यम हैं। तो यदि अगर व्यक्ति कहे कि मैं अंतिम समय में ईश्वर का नाम ले लूँगा, राम का नाम ले लूँगा, तो मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यदि अगर जीवन भर सकाम कर्मों के माध्यम से हमने केवल अपने आप को शरीर मान बैठे हैं केवल अपने आप को, और जो भी हम शुभ कर्म भी अगर हम कर रहे हैं तो वो केवल अगले जन्म की शुद्धि के लिए, अगले जन्म के उन्नत होने के लिए, या आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भौतिकता के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अगर इसलिए कर रहे हैं तो अंतिम समय में ईश्वर का नाम नहीं आएगा। क्योंकि मन की गहराई में जो विचार या कल्पना गहराई से बैठी होगी,
कभी ये होता ना कि अधिक अधिकांश कहें तो सभी लोगों की जो है एक जो घोर कल्पना है उनकी कि ये कुछ कमी है, इसको जोड़ना है, संतान नहीं है तो संतान के पीछे उसका विचार रहता है जन्म भर, धन नहीं है तो धन के पीछे भागे रहता है, यानी कि उसकी चिंता में लगे रहता है, उसी की कल्पना करता है, स्वर्ग नहीं मिला तो स्वर्ग की कल्पना में रहता है, या किसी से प्रतिशोध लेना है वो भी कल्पना है, किसी को नीचा दिखाना है वो भी कल्पना है। तो जो कल्पना उसके मन में जितनी गहराई से लंबे समय से बैठी होगी वही कल्पना अंतिम समय में आगे निकल करके मृत्यु के समय में अंतकाल में जो भी आएगा और कल्पना वही आएगी, क्योंकि दैवी विधान में वहाँ पर आपका जो है ना ये कोई वॉलंटरी एक्शन नहीं चलेगा कि कि मैं कर लूँगा, अपने ईगो को आप श्रेय नहीं दे सकते वहाँ पर, उसका कोई भी श्रेय नहीं है। वो जो अंतिम समय में जो भावना आएगी या जो संकल्प आएगा उसी के अनुसार में आपको अगला जन्म मिल जाएगा। अब ये आवश्यक नहीं कि अगला जन्म भी कि मनुष्य योनि में मिलेगी, इस जन्म में तो हमने कहा कि चलो ठीक है भौतिकता जोड़ रहे हैं यानी कि भोग भोग रहे संसार के जितने भी हैं, अगले जन्म में हम भगवान की प्राप्ति के लिए तैयारी करेंगे, ये भी असंभव है। और अगली योनि जो मैं बता रहा हूँ कि आवश्यक नहीं कि मनुष्य योनि मिले, अगर माना अगर जन्म भर अगर कोई हिंसात्मक कोई विचार अगर बैठा हुआ है किसी के प्रति, दुष्प्रवृत्ति वाला विचार बैठा हुआ है, शोक वाला विचार बैठा हुआ है, तो क्या होगा कि मनुष्य योनि भी छीन कर करके पशु योनि में आना पड़ेगा, वो योनि मिलेगी। ये दैवी विधान बहुत गहरा है, इसीलिए कहा गया है कि कर्मयोग के सिद्धांत को बार बार इसका श्रवण करें। इसके विपरीत अगर हमने अंतिम समय की तैयारी करनी है, एक तो अंतिम समय की तैयारी में नहीं रहें, पहले ही ये प्रयत्न करें, संकल्प ये करें कि मृत्यु आने से पहले ही मैं राम का नाम ले सकूं, यानी कि मैं इस शरीर से अलग हो सकूं। तो अगर अंतिम समय में अगर मामेव स्मरण मुक्त अगर ईश्वर का नाम लेना है, स्मरण करना है, तो आपको आरंभ से ही जहाँ से आपको कहीं से कोई प्रयास प्राप्त हो जाता है, आपको ध्यान योग का अभ्यास भी करना है, ज्ञान योग के अभ्यास से कि मैं कौन हूँ का अभ्यास करना है, भक्ति योग के अनुसार के माध्यम से आपको अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है, कर्मयोग के माध्यम से ईश्वर की सेवा करनी है। अब अंतिम समय में पता नहीं कर्मयोग वाला विचार आ जाए, ध्यान योग वाला आ जाए, भक्ति योग वाला आ जाए या ज्ञान योग वाला आ जाए, अब चारों तो एक ही हैं। अगर चारों एक ही हैं, अगर कोई भी विचार अंतिम समय में मानस पटल पर आ गया तो तब तो मुक्ति है, यानी कि परम शांति तो जो है फिर वो गारंटी है, और नहीं तो